नमस्ते, कैसे आप सब? चलिए करते हैं दिल की बात एकदम साफ। आज हम मूवी रिव्यू करेंगे पुन्यन सेल्वन 2 का। इसका पहला भाग सितंबर 2022 में आया था और दूसरा भाग आज ही 28 अप्रैल 2023 को आया सिनेमा हॉल। पहले भाग ने वर्ल्ड वाइड तो बहुत अच्छा बिजनेस किया था, लेकिन हिंदी बेल्ट में कोई खास इसका इम्प्रेशन नहीं जग पाया था। 1 का मैंने रिकैप किया है, डिटेल में कहानी के बारे में बताया है, आप जाके वो देख सकते हैं, या फिर आपने 2.5 घंटा की मूवी झेल चुके हैं तो इसके लिए आपको शाबाश। जब ये मूवी पुन्यन सेल्वन 2 जब शुरू होता है, जो हमें पुन्यन सेल्वन 1 में नहीं दिखाया वो दिखाता है। नंदिनी और आदित्य कलिकरण के बीच में प्यार कैसे हुआ था, दोनों अलग कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, ये तो बहुत आगे जाके हमें पता लगता है। फिर मूवी कहानी वहाँ से आगे बढ़ता है जहाँ पे पहला भाग खत्म हो गया। अरुण देव बर्मन और बल्ला बड़ैन दोनों एक साथ समुंदर में डूब जाता है जहाज के साथ ही। इस मूवी में पता लगता है कि वो दोनों बच गया है, उसको एक बूढ़ी महिला ने बचा लिया। अब वो बूढ़ी महिला आखिर कौन है और क्यों बचाती है, कौन है ये तो पता लग जाता है हमें, लेकिन डायरेक्टर साहब ये नहीं बता पाते हैं कि वो उसको बार बार क्यों बचाता था, ये बिल्कुल भी नहीं बता पाता। डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले एवरेज है, लेकिन कहानी आपको शुरू से लेकर अंत तक बांधे रहता है। एक समय पे कहानी एक ऐसे मोड़ पे पहुंच जाता है कि एक लड़का लड़की जो एक दूसरे से प्यार कर रहा है, उसके माता पिता भी एक दूसरे से प्यार करता था। फिर हमारा रिएक्शन कुछ ऐसा होता है, एकदम से बात बदल दिया, जज्बात बदल दिया वाला। बहुत समय तक इसी कसमकस में रहते हैं कि भाई इसके बीच में क्या रिलेशन है, आखिर रिलेशन है क्या, भाई बहन है, प्रेमी प्रेमिका है, क्या है आखिर। आगे जाके हमारा ये कन्फ्यूजन दूर जरूर करता है, लेकिन फिर हम सोचते हैं कि आखिर इस तरह की कहानी दिखाने की ज़रूरत ही क्या थी। क्या नंदिनी पांड्या साम्राज्य को ख़त्म कर पाई, अपना बदला ले पाई, गद्दी पे कौन बैठता है, तख्ता पलट होता है या फिर नहीं होता है, क्या है नहीं है, बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं कहानी में, ये सब आपको मूवी में देखने को मिलेगा। अब वो जो ध्रुव तारा है वो किसी न किसी राजसी खून के प्यासा है, तो किसका खून वो लेता है ये भी आपको मूवी में ही देखने को मिलेगा। हिंदी डबिंग ठीक है, गाने एक दो है जो कहानी के साथ में चलता है, कब आके ख़त्म हो जाता है हमें पता भी नहीं। बैकग्राउंड म्यूजिक ठीक ठीक है, भागवन से तो बहुत बढ़िया, लेकिन युद्ध का सीन एक बार फिर डिसअपॉइंट करता है। हम कहते हैं आखिर दोनों लड़ क्यों रहे हो आपस में, यदि मूवी के अंत में युद्ध का सीन दिखाना जरूरी है तो अच्छी तरीके से फिल्माओ और फिर दिखाओ। एक्टिंग सभी के अच्छे हैं, ये मूवी हमारे इतिहास को इतिहास की तरह प्रेजेंट करता है, लेकिन थोड़ा बहुत गर्व के साथ। ज़्यादातर जो दोनों फिल्म में फोकस किया गया वो है सत्ता के संघर्ष के ऊपर, हमारे इतिहास के गौरव दिखाया लेकिन थोड़ा कम दिखाया। पहला भाग बिल्कुल ही बोरिंग था प्रेजेंटेशन, लेकिन ये आपको बांधे रखता है, इंगेजिंग है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाए बिना एक बार इस मूवी को आप ज़रूर देख सकते हैं। मेरे तरफ से इस मूवी को 10 में से 6.5 स्टार। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, लाइक कर दीजिए, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। नमस्ते।